गाइस गुड इवनिंग। तो आ गया हूँ मैं वापस। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक दूसरे पार्क में लेके जाऊँगा, जिस पार्क का नाम है गिलबर्ट पार्क। और ये पार्क मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर यहाँ पे होमलेस लोग रहते हैं और रहते थे। अब ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। और शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी। तो देखिए आप, मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पीछे लेके जाता हूँ। इस पार्क का नाम है गिलबर्ट पार्क और इस पार्क की तीन एंट्रेंस हैं। एक तो ये एंट्रेंस है जो आपने देखी है, एक इसके बीच में है, एक इसके एंड में है। तो ये देखिए, एक बंदा यहाँ पे जो पानी जिस लोग पीते हैं उससे ही बंदा ये नहा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, ये मुझे इतना स्पोर्ट्स का तो नहीं पता है, पर ये आई थिंक फुटबॉल का नेट है ये पीछे जो आप देख रहे हैं। ये फुटबॉल का नेट है। और सॉरी, बहुत दिन हो गए थे, मैं बिज़ी था तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक हफ्ते एक वीडियो डाल दूं। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, एक ये मोटर होम है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जैसे जो मोटर होम्स होते हैं ये ख़रीद लेते हैं कि सस्ते में, और फिर ये इसमें रहने लगते हैं और किसी ऐसी जगह पार्क कर देते हैं जहाँ पे बस स्टैंड वगैरह हो, बस स्टैंड हो या जैसे लॉन्ड्रोमैट्स हो, ताकि ये लोग जैसे वो बाथरूम वगैरह चले जाएं। ये जितनी भी आप यहाँ पे ये जैसे ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब लोग होमलेस है जो अपनी गाड़ियों में रहते हैं। तो ये भी यहाँ की एक सच्चाई है दोस्तों। और ये भी Hola hermano, ¿cómo estás? Bien. Okay. How's your day going on? Good? Mucho? Muy bien? Gracias. तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। तो ये देखिए, इस आदमी को मैं यहाँ पे दो साल से देख रहा हूँ। और ये लोग आप देखिए, ये लोग यहाँ पे होमलेस टाइप लोग हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये यहाँ पे होमलेस लोग हैं, और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आपको मैं थोड़ी सी और सैर करवाता हूँ इस पार्क की, और उसके बाद मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि जो मैंने आपको पहली बात बोली थी कि यहाँ होमलेस थे और हैं भी, तो ये मैंने क्यों बोला कि मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की सैर करवाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ की दोनों बेंचेस हैं, और ये आप देख रहे होंगे ये पीछे, ये यहाँ पे लोग कुकिंग करते हैं। यहाँ पे लोग जो है कुकिंग कर सकते हैं इस पर। तो इस पे ये लोग ज़्यादातर बीफ या पोर्क बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ही देखिए इनका ये ट्रैश है। और इफ़ आई एम नॉट, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो शायद ये वाओ, ये आप देखिए, ये वोदका है। ये किसी तरीके का अल्कोहल है, वोदका नहीं है, किसी तरीके का अल्कोहल है। और ये यहाँ पे वैसे अच्छा नेबरहुड है, ये सारा अच्छा नेबरहुड है। और इस पार्क में मैं पहले एक्सरसाइज करने आता था, पर अभी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा हूँ मैं, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और ये यहाँ पे देखिए बेंचेस हैं, और यहाँ पे लोग अपने डॉग्स लेके आते हैं। और ये यहाँ पे ओपन जिम है, जो मैंने दिल्ली में भी अभी देखा है इस कंसेप्ट को काफ़ी इवॉल्व होते हुए। तो ये यहाँ का ये ओपन जिम है, जो ये जो होमलेस लोग जो है काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ओला कमो सास बियन के तंगा सुन बन दिया मोय मोय ग्रेसियस। सो ये यहाँ का देखिए
ये यहाँ का ओपन जिम है, और थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे आप तो ये आपको दिखेगा, ये बच्चों के लिए यहाँ पे राइड्स हैं, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे, ये बच्चों के लिए राइड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं खासकर वीकेंड्स, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग अपना पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। जैसे एक पूरी अभी मैक्सिकन फैमिली आई हुई है जिनके 5 बच्चे हैं, और वो लोग अपना यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। तो जो लोग जैसे जो लोअर मिडिल क्लास लोग वगैरह होते हैं, ये आप देख रहे होंगे पीछे, तो जो लोअर मिडिल क्लास लोग वगैरह होते हैं वो खाना वगैरह ले लेते हैं कहीं सस्ते में और यहाँ पे आके खा लेते हैं। तो आगे लेके चलते हैं आपको, अब तो घर अंधेरा होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि सुशांत हमेशा हमें अंधेरे में क्यों लेके आता है, पर मैं क्या करूँ, पूरे दिन मुझे कुछ काम था तो इसलिए मैं आ नहीं पाया, और बस आज एक दिल में एक अरमान जगा कि जाओ ये ज़रा वीडियो बनाओ, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वाला भी वीडियो बहुत दिनों से ड्यू था। तो ये आ गया यहाँ का, आप देख रहे होंगे ये यहाँ का ट्रैक है जिस पे लोग यू नो यू अक्सर वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं यहाँ पे। और ये ट्रैक जो है ये काफ़ी लंबा ट्रैक है, ये होगा लगभग मेरे हिसाब से आई थिंक 1 माइल के आसपास होगा ये पूरा। और अभी जा रहे हैं आगे, अच्छा सॉरी, यहाँ की 3 नहीं यहाँ की 4 एंट्रियाँ हैं। ये देखिए ये यहाँ पे एक एंट्री और है, तो इस पार्क की 4 एंट्रियाँ हैं। और जो दिल्ली में जो पार्क्स हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली की ही बात कर सकता हूँ, और मैं किसी जगह पे रहा नहीं हूँ इंडिया में, तो दिल्ली के जो पार्क्स हैं उनमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे डॉग की शिट की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो सड़क पे जो वहाँ पे जो ये डॉग्स होते हैं वो यू नो उनका जो होता है वो पैर में आता चलते चलते, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे होमलेस भी हैं, पर फिर भी एक तरह की यहाँ पे क्लीनलीनेस है इस जगह पे। तो यहाँ पे आप देखिए ये बास्केटबॉल रिंग है, और यहाँ पे सब लोग ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर सभी पार्क्स में आपको यहाँ पे बास्केटबॉल दिख जाएंगे, यू नो ऐसे बास्केटबॉल रिंग्स आपको हर जगह दिख जाएंगे ऐसे आपको। हाय डूइंग, तो ऐसे आपको हर जगह दिख जाएंगे। यूजली यहाँ पे काफ़ी ग्रुप्स में होते हैं, यूजली यहाँ पे यूजली आपको यहाँ पे जो है काफ़ी सारे, आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ नॉट यू, देयर इज नथिंग इन यू टू रिकॉर्ड, आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, व्हाई वुड आई रिकॉर्ड यू, देयर इज नथिंग इन यू टू रिकॉर्ड। सो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये एक ट्रैक है, और यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, और वो लड़की थोड़ी जो भी आई थी वो मुझे बोल के गई थी कि मुझे रिकॉर्ड मत करो, पर मैं तो उसको रिकॉर्ड कर नहीं रहा, मैं तो अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अच्छा, वापस आते हुए पार्क के ऊपर, तो मैंने आपको बोला था शुरू में कि इस पार्क में होमलेस थे और होमलेस हैं, तो ऐसा क्यों, वो इसलिए कि इस पार्क के अंदर आप देखिए यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है साइकिल वाला, अगर देख दिख रहा होगा आपको पीछे यहाँ, तो इस पार्क में मैं आपको बताता हूँ होमलेस कैंप्स थे, कैंप्स क्या बोल सकते हैं उनको, मतलब कि हट्स जो आप बोलते हैं, ट्रेसपासर्स उनको बोलते हैं,
कि जिन्होंने अपना छोटी सी झोपड़ी डाल ली और उसमें वो रहने लग गए। तो एक जो है एक होमलेस ट्रेसपासिंग या छोटी सी हट या उनका छोटा सा घर, उन्होंने एक तो यहाँ पे बनाया हुआ था, एक तो यहाँ पे था, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दूसरा कहाँ पे था। ठीक है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा कहाँ पे था। सो जो दूसरा था वो आगे चल के दिखाते हैं आपको कि वो कहाँ पे था। और मैं किसी होमलेस को इंटरव्यू करना चाहता था, क्योंकि अब होमलेस यहाँ पार्क्स में तो नहीं रहते हैं, पर वो पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ रुकते हैं, वहाँ पे रात को सोते हैं। बल्कि यहाँ पे साइन लगा हुआ है कि रात को 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, सुबह के 7 बजे तक आप इस पार्क में या पार्क के प्रमाइसेस पे नहीं रुक सकते, इल्लीगल है। बट फिर भी किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा, मतलब इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। और वैसे भी पुलिस जो है वो ऐसे लोगों से दूर ही रहती है, क्योंकि ये फिर पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोच रहे होंगे कि ये डेवलप्ड कंट्री है और कैलिफोर्निया जैसी जगह पे होमलेस लोग, पर चीज़ यह है कि ये लोग पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं या फिर सिटी के ऊपर केस कर देते हैं। तो ये पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती चाहते हुए भी। तो दूसरी जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये होमलेस ट्रेसपासिंग हट्स या कैंप्स, तो शायद गलत वर्ड होगा उसके लिए, बट ट्रेसपासिंग इन्होंने यहाँ पे अपने छोटे छोटे हट्स बनाए हुए थे इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे। यहाँ पे बहुत सारे पांच थे। तो ये, और ये पीछे चर्च है, तो ये आप देख रहे हैं पीछे चर्च है। और यहाँ पे इस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, फुलर्टन, ऑरेंज काउंटी, एनाहाइम एरिया में, तो ये क्या करते हैं ये होमलेस लोग ज़्यादातर, कि ये चर्च के आसपास जाके अपने एनक्रोचमेंट्स, उसको, या एनक्रोचमेंट वो शब्द करेक्ट है, एनक्रोचमेंट, ये अपने एनक्रोचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि चर्च से उनको फ्री में खाना, फ्री में मेडिसिंस, फ्री में पानी पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, और काफ़ी लोग चर्च में डोनेट भी करने आते हैं। तो इस तरफ आप देखिए यहाँ पे थे, और वो लोग यहाँ पे आके बैठ जाया करते थे, लोग यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, फिर वो यहाँ पे गंदगी भी मचाया करते थे ये सब लोग। मतलब गंदगी इस लिहाज से कि जैसे खाना बनाया तो उसको टेबल पे छोड़ दिया, यू नो, स्मेल वगैरह आती थी। तो यहाँ के जो नेबरहुड के जो लोग हैं जो पार्क में आते हैं, क्योंकि यहाँ का ये अच्छा नेबरहुड है इस पार्क के आसपास, तो यहाँ पे जो नेबर पे जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो लोगों ने कंप्लेन करी। हाय, कमो स्टास, बियन, बुना नोचेस। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लोग देख रहे हैं, तो मैं बस उनको ग्रीटिंग दे रहा था अपनी। तो इन्होंने फिर वो कंप्लेन करी यहाँ पे नेबर्स ने, और फिर वो जो नेबर्स ने जो कंप्लेन करी उसका फिर एक एक्शन लिया गया और उनको यहाँ से हटा दिया गया। पर वो काफ़ी टाइम तक थे, अभी हटाया उनको, चार महीने पहले हटाया उनको। मुझे लग नहीं रहा था कि वो कभी यहाँ से हटेंगे, पर अभी उनको यहाँ से 4 महीने पहले हटाया गया है। तो आप ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है ये इस पार्क को मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। और ये देखिए यहाँ पे छोटे मोटे जैसे डॉग्स हैं ना, ये रख लेते हैं लोग, और लोगों को डराने के लिए कि उनके आसपास कोई फटके ना, कोई आए ना। तो जो मैं आपको दूसरे पार्क में लेके गया था वो तो एक एलीट पार्क था, क्योंकि वहाँ पे लोग HOA देते हैं, हाउसिंग एसोसिएशन फीस देते हैं,
तो वो लोग वहाँ पे तो कोई आपको एक भी होमलेस नहीं दिखेगा, एक भी पार्किंग में भी नहीं दिखेगा, उसके आसपास भी आपको नहीं कोई 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 वैसे कोई फटकेगा भी नहीं वहाँ पे, मतलब किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी। वो इसलिए कि वो प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे रिच लोग रहते हैं और वहाँ पे उनकी कंप्लेंट बहुत जल्दी हो जाती है, और ऐसे एरियाज़ में जब लोग रहते हैं वो पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस जल्दी आके एक्शन ले लेती है, क्योंकि वहाँ पे से उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन होता है। तो आपको पता है दुनिया में कहीं भी चले जाओ, यू नो, ये चलता है, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए ये चलता है। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया में ही ये सब प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी ये जो है प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि मैं किस तरीके से वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको और मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। वैसे मैं लास्ट वीक मेक्सिको गया था और मैंने वहाँ का भी एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था जो मैंने पोस्ट किया था, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मेक्सिको का वीडियो बना के वो मैं भेजूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं बीच, वहाँ पे जो बीच है जो बहुत फेमस है, रोज़ारेटो बीच, उसका मैं आपको वीडियो बना के भेजूँ। अगर वो नहीं भेज पाया तो मैं आपको मेक्सिको के बहुत सारे पार्ट्स मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको आइडिया होगा कि जो कैलिफोर्निया के जो नेबरहुड में जो मेक्सिको है, जो तिहुआना है, वो कैसा है, और वहाँ पे मतलब किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से खाते हैं, कौन सी गाड़ियाँ चलाते हैं, कैसे नेबरहुड में रहते हैं। ओके गाइस, सो अगेन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ कमेंट, एंड आदियोस, बाय, हैव अ गुड नाइट, बाय।